ऑर्डर सिक्स रूल 13 विधि की उपधारणाएं। विधि की उपधारणाएं यानी किसी तथ्य की या विधि की, तथ्य की या विधि की सॉरी, अगर किसी विधि की उपधारणा किसी एक व्यक्ति के पक्ष में की जाती है न्यायालय द्वारा, और अगर एक के पक्ष में कर ली गई उपधारणा, विधि की उपधारणा एक के पक्ष में कर ली, तो इसके साबित करने का भार किस पे आएगा? बी पर आएगा। सबूत का भार बी पर आता है। एविडेंस पे पढ़ते हैं अपन। विधि की उपधारणा अगर एक के पक्ष में न्यायालय के द्वारा की जा रही है तो इसको साबित करने का भार बी पे चला जाता है। तो ये तो न्यायालय एक्ट तो लॉ बता रही है, एविडेंस बता रही है कि साबित करने का भार किस पे आएगा? प्रतिपक्षी पे आ जाएगा, विरोधी पक्षकार पे आ जाएगा। तो जब तक न्यायालय ना उल्लेख ना करे कि सबूत का भार ए को साबित करना है, तब तक अभिवचन में न्यायालय में ए को उस उपधारणा के बारे में, उस विधि के बारे में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आता है अभिवचन को हस्ताक्षरित किया जाना। हर अभिवचन पक्षकार के द्वारा, पक्षकार के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, और अगर पक्षकार ने किसी प्लीडर को अपॉइंट सॉरी एजेंट को नियुक्त कर रखा है या अपनी ओर से प्राधिकार दे रखा है तो उसके द्वारा वो हस्ताक्षरित किए जाएंगे। ऑर्डर सिक्स रूल 14A, सूचना की तामील के लिए पता। हर अभिवचन जब फाइल किया जाता है तो उसमें कोई समन भेजना है, कोई सूचना भेजनी है, तो दोनों पक्षकारों, अभिवचन के पक्षकारों से उनके निवास का पता लिया जाता है कि भाई आप कहाँ भी निवास करते हो, अगर कोई सूचना भेजनी है तो कौन से स्थान पे सूचना भेजी जाए, तो वो पता फाइल किया जाता है न्यायालय में, उनसे फाइल करवाया जाता है। जब अभिवचन फाइल किया जाता है तो वो पता क्या कहलाता है? वो रजिस्टर्ड पता कहलाता है। ये रजिस्टर्ड पता 2 वर्ष के लिए माना जाता है, और अगर इस बीच पक्षकार अपना निवास स्थान स्थायी रूप से परिवर्तित कर लेते, चेंज कर लेते हैं, तो उसके सूचना उन्हें न्यायालय में पहले फाइल करनी होगी। और अगर वादी ने रजिस्टर्ड पता गलत बताया या निवास स्थान चेंज कर लिया और उसकी सूचना न्यायालय को नहीं दी, तो न्यायालय क्या करता है? उसके वाद को एक बार रोक देता है जब तक वो सही पता, रजिस्टर्ड सही पता फाइल न्यायालय में नहीं करता। और अगर प्रतिवादी ने गलत पता बताया है या निवास स्थान परिवर्तित निवास स्थान की सूचना नहीं दी है, तो वहां पर न्यायालय क्या करेगा? प्रतिवादी द्वारा पेश की गई प्रतिरक्षा को न्यायालय काट देगा, और जब तक उसकी प्रतिरक्षा नहीं काम में ली जाएगी, जब तक वो सही पता फाइल नहीं करता। और अगर वादी और प्रतिवादी दोनों ही सही पता न्यायालय में फाइल कर देते हैं या परिवर्तित निवास स्थान की सूचना न्यायालय में जमा करा देते हैं, तो फिर उनका वाद आगे चलता है या प्रतिरक्षा आगे कंटिन्यू रहती है। ठीक है, इसके बाद में ऑर्डर सिक्स रूल 15 पढ़ते हैं अपन। ऑर्डर सिक्स रूल 15, रूल 15 ये कहता है सत्यापन, वेरीफाई, कि हर अभिवचन जो न्यायालय में फाइल किया जा रहा है वो उस फाइल करने वाले अभिवचन के द्वारा सत्यापित किया जाना जरूरी है। जब भी वाद पत्र की विरचना की जाती है तो उसके नीचे अपन लिखते हैं सत्यापन। सत्यापन क्यों किया जा रहा है? सत्यापन इसलिए किया जाता है कि पक्षकार ने, चाहे वादी है चाहे प्रतिवादी है, जो अपना अभिवचन फाइल कर रहा है,
वो ये इस बात उन्होंने अभिवचन में जिन तथ्यों का उल्लेख किया है, यानी जिन तथ्यों को उन्होंने अपने अभिवचन में लिखा है, वो तथ्य क्या है, उनके हिसाब से दो प्रकार सत्यापित कैसे किया जाएगा। वो तथ्य उनके हिसाब से, फर्स्ट निजी ज्ञान के आधार पे सही होने का विश्वास करते हैं। निजी ज्ञान के आधार पे सही होने का विश्वास करते हैं, यानी जो फैक्ट वो बताता है, ए कहता है कि बी मेरे आस पड़ोस में रहते था, या मेरे किरायेदार है, या मैंने उसको इस दिनांक को किराए पे दिया था, ये तो उसके निजी ज्ञान के अनुसार सही है ना। तो फर्स्ट वो जैसे वाद पत्र में मान लो 8 पॉइंट है, उनमें से वो कहेगा पैरा संख्या 1 से लेकर पैरा संख्या 4 तक तथ्य मेरे निजी ज्ञान के आधार पे मैंने सही होने के का विश्वास करता हूँ। सेकंड पॉइंट क्या लिखेगा कि पैरा संख्या 5 से लेकर पैरा संख्या 8 तक जो तथ्य है वो मैं कानूनी अधिवक्ता या कानूनी सलाह के आधार पे सही होने का विश्वास करता हूँ। यानी जब सत्यापन किया जाता है किसी भी अभिवचन का, तो उसमें वो तथ्यों को दो प्रकार से सत्यापित करता है। निजी ज्ञान के आधार पे सत्यापित कर रहा है कुछ तथ्यों को, और कुछ तथ्यों को कह रहा है कानूनी सलाह के आधार पे मैं इन्हें सही होने का विश्वास करता हूँ। यानी वो ये कह रहा है कि अगर इनमें से कोई भी गलत होता है तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। हर एक सत्यापन जब किया जाता है तो पक्षकार के द्वारा, यानी अभिवचन फाइल करने वाले पक्षकार के द्वारा सत्यापन के साथ में शपथ पत्र यानी एफिडेविट भी लगाएगा। ठीक है, ये था ऑर्डर 6 रूल 15। अब आता है ऑर्डर 6 रूल 16। अभिवचनों को काट दिया जाना। अभिवचनों को काट दिया जाना क्या है? ऑर्डर 6 का रूल 16 और रूल 17 दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। रूल 16 ये कह रहा है कि न्यायालय वाद के किसी भी प्रकरण पर निर्णय देने से पहले, वाद के किसी भी प्रकरण पर परंतु निर्णय देने से पहले, अगर न्यायालय को लगता है कि अभिवचन अनावश्यक है, कलंकात्मक है, तुच्छ है, तंग करने वाले हैं, अनावश्यक है, कलंकात्मक है, तुच्छ है या तंग करने वाले हैं, या विवादग्रस्त के निपटारे के लिए आवश्यक नहीं है, या विरोधी पक्षकार के अधिकारों का हनन करने वाले हैं, तो न्यायालय क्या करता है, ऐसे अभिवचनों में कुछ ऐसे तथ्यों को जो लगता है न्यायालय के अनावश्यक, कलंकात्मक है या तंग करने वाले हैं या दूसरे पक्षकार के अधिकारों का हनन करने वाले हैं, वाद के निपटारे के लिए अनावश्यक है, तो न्यायालय क्या करता है, उन अभिवचनों को न्यायालय वाद के किसी भी स्टेज पर काट सकता है। काटने से पहले न्यायालय पक्षकार को सूचित करेगा, जैसे वादी के वाद पत्र वाले अभिवचनों को काट रहे हैं, तथ्यों को काट रहे हैं, तो न्यायालय वादी को सूचित करेगा, और अगर प्रतिरक्षा में रिटर्न स्टेटमेंट के तथ्य को
काट रहा है तो प्रतिवादी को सूचना करेगा और उनको सुनवाई का अवसर भी देगा। यहाँ पर न्यायालय काट रहा है, पक्षकार आवेदन नहीं कर रहे हैं, न्यायालय काट रहा है। ठीक है, ऑर्डर 6 रूल 17 इम्पोर्टेंट अभिवचनों में संशोधन, दो पॉइंट है इसके। अभिवचनों में संशोधन ऑर्डर 6 रूल 7 के साथ में मैंने बताया था 17 साथ में पढ़ते हैं, साथ में कहा था फेरबदल करना है तो कैसे करेगा, न्यायालय की अनुमति लेके संशोधन किया जाता है अभिवचन में, फिर वो उसमें कुछ काट सकता है या ऐड कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता फेरबदल। तो अब संशोधन, संशोधन क्या है, संशोधन अमेंडमेंट करना, यानी कोई पक्षकार वाद पत्र में कुछ ऐड करना भूल गया था या कुछ जोड़ना चाहता है, या प्रतिवादी रिटन स्टेटमेंट में कुछ ऐड करना चाहता है या कुछ हटाना चाहता है जिसे लगता है सही नहीं है प्रतिरक्षा, तो वो वहां पर संशोधन करने के लिए न्यायालय से क्या करेगा, अनुमति मांगेगा, न्यायालय से अनुमति परमिशन मांगेगा न्यायालय से कि मुझे अपने अभिवचन में संशोधन करना है, तो वो न्यायालय से अनुमति के लिए आवेदन करेगा। आवेदन करने कौन से स्टेज पे करेगा, वाद के किसी भी प्रकरण पे, वाद के किसी भी प्रकरण यानी कौन से भी स्टेज पे वो कर सकता है, स्टेज में किसी भी स्टेज में वो आवेदन कर सकता है कि मुझे अपने अभिवचन में संशोधन करना है, लेकिन निर्णय आने से पहले। अगर न्यायालय को लगता है कि हाँ इसे संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए तो न्यायालय उसे संशोधन की अनुमति दे सकता है। ये तो था इसका फर्स्ट पॉइंट ऑर्डर 6 रूल 17 में कि न्यायालय से अनुमति ले सकता है कोई भी पक्षकार, कौन से स्टेज पे लेगा वाद की विचार में किसी सॉरी वाद के किसी भी स्टेज पे ले सकता है परंतु निर्णय आने से पहले। न्यायालय को लगता है कि संशोधन की अनुमति देना सही है विवादग्रस्त विषयों के निपटारे के लिए, वाद की बहुलता को रोकने के लिए अनुमति देना आवश्यक है तो न्यायालय अनुमति दे सकता है, परंतु इसमें एक परंतु ऐड किया हुआ है, परंतु जोड़ा हुआ है ऑर्डर 6 रूल 17 में एक परंतु जोड़ा गया था 2002 में, संशोधन करके 2002 में जो संशोधन हुआ था सीपीसी में उसके द्वारा ये परंतु ऐड हुआ, परंतु ये परंतु ये कह रहा है, पहले वाला पॉइंट तो ये था कि वाद के किसी भी स्टेज पे लेकिन निर्णय आने से पहले आवेदन किया जा सकता है, यहाँ पे परंतु ये बता रहा है कि विचारण स्टार्ट होने के बाद में, विचारण प्रारंभ होने के बाद में न्यायालय संशोधन की अनुमति नहीं देगा। यानी क्या कह रहा है परंतु कि ये कह रहा है कि वाद में ट्रायल चालू होने से पहले पहले संशोधन कर लेना चाहिए अनुमति, संशोधन के लिए आवेदन या अनुमति मांग लेनी चाहिए, विचारण प्रारंभ होने के बाद में न्यायालय को लगता है कि न्यायालय संतुष्ट होता है कि हाँ वो उस समय यानी विचारण प्रारंभ होने से पूर्व कुछ ऐसे फैक्ट थे जिनके कारण संशोधन नहीं कर पाया था या संशोधन के लिए आवेदन नहीं कर पाया था, अगर न्यायालय संतुष्ट होता है तो विचारण प्रारंभ होने के बाद भी न्यायालय अनुमति देगा। ठीक है, तो अब ये अनुमति कब कब दी जा सकती है और कब नहीं दी जा सकती, ऑर्डर 6 रूल 17 का बड़ा क्वेश्चन आता है कि अनुमति न्यायालय कब देता है, फर्स्ट विवाद ग्रस्त विषयों के निपटारे के लिए अगर आवश्यक है तो न्यायालय अनुमति देगा, विवाद ग्रस्त विषयों के निपटारे के लिए अगर आवश्यक है तो ही न्यायालय अनुमति देगा। सेकंड आता है वादों की बहुलता को रोकने के लिए, वादों की बहुलता को रोकने के लिए। थर्ड आता है इश्यू फ्रेम करने के लिए, विवादों की
विरचना के लिए। अगर ये पॉइंट पाए जाते हैं तो न्यायालय संशोधन की अनुमति देगा। कब नहीं देगा? कब नहीं देगा? जब विवाद को विवादग्रस्त विषयों के निपटारे के लिए आवश्यक नहीं हो, विवादग्रस्त विषयों के निपटारे के लिए आवश्यक ना हो। सेकंड आता है समय अवधि बीतने के बाद, समय अवधि के बीतने के बाद में, अगर बहुत टाइम बाद हो गया वाद, और बाद में मान लो ऋण के लिए कोई वाद था, 3 वर्ष के लिए उसने आवेदन ही नहीं किया, बाद में पहले से कोई शूट चल रहा था, उसमें कहता है कि मुझे उस ऋण के लिए भी वाद फाइल करना है, वाद पत्र में संशोधन करना है, तो ऐसे वादों को अनुमति संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरे पक्षकार के अधिकारों का हनन करते, दूसरे पक्षकारों के विधिक अधिकारों का हनन करती हूँ, विधिक अधिकारों का हनन करती हूँ, या एकदम नया वाद प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी कुछ पहले तो किराए के लिए वाद किया और सेकंड वो जो संशोधन मांग रहा है वो कब्जे के लिए मांग रहा है, तो क्या है, पहले वाला वाद तो खत्म हो गया, अब जो नया जो किराए के लिए जो कब्जे के लिए जो नया अमेंडमेंट चाह रहा है वो एकदम नए वाद को शुरू कर रहा है, तो वहां पर संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये 6-17 में था। छह अठारह एक साथ जुड़े हुए, 6-17 में अगर न्यायालय संशोधन की अनुमति दे देता है, संशोधन की अनुमति न्यायालय ने दे दी, तो अब संशोधन कितने टाइम में करना है? अगर न्यायालय ने समय सीमा बताई है, न्यायालय ने अगर समय सीमा बता दी कि इस अवधि में आपको संशोधन करना है, तो उस अवधि में संशोधन करना हो, ठीक है, न्यायालय ने कहा था 1 महीने में या 20 दिन में आप अमेंडमेंट कर सकते हो, तो उस समय अवधि में संशोधन करना है। और अगर न्यायालय ने समय सीमा नहीं बताई, न्यायालय ने बताया ही नहीं कि कितनी अवधि में संशोधन करना है, तो वहां पर 14 दिनों में संशोधन करना होता है। अगर न्यायालय ने संशोधन की अनुमति दी है, रूल 17 में अनुमति दे दी, तो रूल 18 ये बता रहा है कि कब तक संशोधन किया जा सकता है। अगर न्यायालय ने अनुमति दे दी 6-17 में, तो कब तक अमेंडमेंट किया जा सकता है? तो फर्स्ट, अगर समय सीमा बताई है कि इस समय सीमा में आप अमेंडमेंट कर सकते हो, उस समय सीमा में संशोधन करना होगा, और अगर समय सीमा संशोधन के लिए टाइम पीरियड बताया ही नहीं, तो वहां 14 दिनों में अमेंडमेंट करना होता है। और अगर कोई पक्षकार समय सीमा नहीं बताई और 14 दिनों के भीतर अमेंडमेंट नहीं करता है, या बताई गई समय में अमेंडमेंट नहीं करता है, तो माना जाएगा कि उसने अमेंडमेंट करने के अपने अधिकार या राइट का हनन कर दिया या त्याग कर दिया, अब वो बाद में संशोधन नहीं कर सकता। तो ये था ऑर्डर 6 जो अभिवचन के नियमों को बताता था। अभिवचन क्या होता है, अगर उसकी विरचना की जाती है तो उनमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।